पता नहीं ये लड़कियां हमेशा लेट क्यों होती हैं। इतनी देर क्यों हुई? पापा थे ना, वो लोग सब दरवाजे के बाहर थे, अब क्या बोलती? वैसे भी उनको लगता है शक हो गया। जल्दी बैठो प्लीज। हाँ। जल्दी बैठो। अब क्या हुआ? बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। ओह गॉड, कितनी बार बोला है इस खटारों को बेच के एक न्यू बाइक ले लो, पर तुम ओके मेरी सुनते ही नहीं हो। जिस दिन तुम्हारे पापा इतना अमीर हो जाऊंगा ना, उस दिन दूसरी बाइक ले लूंगा। ओके। वाह बेटी वाह, अच्छा नाम रोशन कर रही है अपने माँ बाप का। हा? अरे रात को चोरी छुपे सामान बांधकर इस लड़के के साथ भाग रही थी। तुम्हारी बेटी नहीं भाग रही थी मेरे गौतम के साथ, वो तो उसे भगा कर ले जा रही थी। अच्छा, क्या खूब कही, एक लड़की एक लड़के को भगा के ले जा सकती है। आप लोगों ने हमारी जिंदगी मजाक बना रखी है, आपको दिखता नहीं हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। इस लड़की के लिए तूने अपनी माँ के प्यार को भुला दिया। ऐसा नहीं है कि हम आपसे प्यार नहीं करते, पर हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। और अगर हमने ऐसा नहीं होने दिया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। क्यों क्या हुआ, गाना पसंद नहीं आया क्या मेरा, या आवाज खराब है? प्लीज यार, अभी हम दोनों बहुत टेंशन में, गाना वाना मत सुना, कोई अच्छा सा आइडिया दे फिर गाना सुनेंगे। आइडिया वही तो लेकर आऊं मेरी जान तुम दोनों के लिए। मेरे पास एक ऐसा आइडिया है कि तुम दोनों सुनते ही डांस करने लगोगे। प्लीज गौतम, इससे और आइडिया लेने की जरूरत नहीं है, इसी की वजह से ऑलरेडी वो स्टूपिड से फिल्मी आइडिया में हम कैसे फंसे थे पता है ना? ओ हेलो मैडम, वो आइडिया मेरी वजह से फ्लॉप नहीं हुआ था, वो अगर फ्लॉप हुआ था तो आपके इस दीवाने की खटारा बाइक की वजह से। ए, मेरे बारे में तू कुछ भी बोल ले, लेकिन मेरे बाइक के बारे में कुछ मत बोलना। नैना के बाद मेरी जिंदगी का वो दूसरा प्यार है। अच्छा तो मतलब तुम मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना कि तुम अपनी स्टूपिड सी फटफटिया से करते हो। अब बस खबरदार जो मेरी बाइक को किसी ने खटारा या फटफटिया बोला। मैडम देख लेना, एक दिन उसी बाइक पे तुम्हें भगा के ले जाऊंगा। शाबाश शाबाश मेरे प्रेम दीवाने, अरे यही जोश तो देखना था मुझे तुझ में। अच्छा तुम दोनों ध्यान से मेरा आइडिया सुनो। ये क्या, इससे भयानक नजारा तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। जरूरी कल रात की लड़ाई का नतीजा है। प्रभात जी को बताया किसी ने? नैना, 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 पीछे दूर हटिए, एक मिनट हटिए, नैना, नैना, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, वो आत्महत्या नहीं कर सकती। अरे शांत भी हो जाओ, मुझे देखने तो दो। नैना ये तो कंकाल है, कंकाल है ये तो। क्या कंकाल? नैना और गौतम के कपड़े पहन रखे हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये सब आप ही के संस्कार है जो कंकाल के रूप में इस पेड़ पर लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे संस्कार? आप कहना क्या चाहते हैं, गौतम ने ये सब किया है? नहीं तो क्या, और हमारी बेटी नैना ने किया है, और हमारी बेटी के दिमाग में ऐसा भद्दा और भयानक ख्याल आ ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा कल आप ही की बेटी कह रही थी,
अगर हम दोनों की शादी नहीं करवाएंगे तो हम दोनों का मरा मुंह देखेंगे। कहना और बात है और इस तरह का भद्दा मजाक करना और, हमारी बेटी ये कर ही नहीं सकती। आप लोग लड़ना बंद कीजिए, सीआईडी को बुलाता हूँ। हेलो सीआईडी, सोए थे क्या तुम ड्यूटी पे? नहीं साहब। क्या नहीं साहब? किसी ने इस पेड़ पे दो दो कंकाल को लटका दिया और तुम्हें पता ही नहीं चला? साहब मैं गेट पे बैठता हूँ, वहां से गार्डन में क्या हो रहा है कुछ नहीं दिखता साहब। तो गौतम और नैना ने आप लोगों को धमकी दी थी कि अगर उनकी शादी के लिए राजी नहीं हुए आप लोग तो दोनों आत्महत्या कर लेंगे। जी ये सब गौतम का ही किया धरा है, वरना हमारी बेटी तो हमारे खिलाफ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। बार बार मेरे बेटे पर इल्जाम देना छोड़ दो, मेरा बेटा तो सीधा साधा है, तुम्हारी लड़की ने ही उस पर प्यार का भूत चढ़ा दिया है। बस कुसूर आपके बच्चों का नहीं है, कुसूर आप लोगों का है जो उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाए। पर सर, देखिए सर, सर कंकाल उतार लिया है। हाँ बड़ी सर, ये दोनों कंकाल तो नकली है। क्या दोनों कंकाल नकली है? नंबर लिखा हुआ, नंबर से पता चल सकता है कि नकली कंकाल किसने बनाया है। सर पैंट की जेब में चिट्ठी भी नहीं। चिट्ठी? हाँ, बच्चों ने परिवार वालों के लिए लिखा है। बच्चों ने ये चिट्ठी लिखी है परिवार वालों के लिए। यारे परिवार वालों, हमें बेहद खुशी हो रही है ये बताते हुए कि 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे के मोहब्बत भरे दिन पे हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे की जीवन साथी बनने जा रहे हैं। जी हाँ, हम शादी कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग हमें दुआएं देंगे। पर अगर आपने हमारी शादी में किसी भी तरह की अड़चन डालने की कोशिश की तो अगली बार पेड़ पे हम दोनों की लाशें मिलेंगी, नैना और गौतम। नहीं, ये नहीं हो सकता, हमारी बेटी गौतम के साथ शादी नहीं कर सकती। नैना जैसी बहू मुझे भी नहीं चाहिए, मेरे गौतम को इससे बहुत अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। आप लोगों को इस रिश्ते से प्रॉब्लम क्या है? जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप लोग हाँ क्यों नहीं कह देते? रिश्ते बराबर वालों में होते हैं, इनके परिवार की हैसियत ही क्या है जो हमारी बेटी के साथ अपना रिश्ता जोड़े। शर्म आनी चाहिए आपको, अपने बच्चों के खुशी के आगे आप ये पैसे और इज्जत का डोल पीट रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आखिरी बार कब देखा था आपने बच्चों को? नैना कल जब कॉलेज से वापस आई तो हम लोगों ने कुछ लड़कों के फोटोग्राफ्स उसे दिखाए शादी के लिए। ये देखिए, ये कैसा लड़का है हमारी नैना के लिए। नहीं ये देखिए, ये तो बहुत ही प्रीटी है। लो नैना भी आ गई। नैना ये देख, ये लड़का कैसा है तुम्हारे लिए? मॉम मैंने अपने सपनों का राजकुमार चुन लिया है और उसका नाम है गौतम। नैना हमने तुम्हें आजादी दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं तुम हर वक्त अपनी मनमानी करो। गौतम से तुम्हारी शादी हरगिज़ नहीं हो सकती। बस तो ठीक है, फिर आप लोग भी एक बात अच्छे से सुन लीजिए, अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ गौतम से होगी, वरना किसी और से नहीं होगी। नैना तुम ऐसे नहीं मानोगी। उसके बाद इन्होंने नैना को कमरे में बंद कर दिया और जब हमने सुबह उठकर देखा तो वहाँ थी नहीं, वो खिड़की से भाग गई थी। सर प्लीज मेरे गौतम को ढूंढ दीजिए, डर है जोश में कहीं वो गलत कदम ना उठा दे। देखिए उन दोनों को कुछ नहीं होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे। क्या बात है प्रभात जी, आप कुछ छुपा रहे हैं हमसे, कुछ बोलना चाहते हैं? जिसकी बेटी उसका घर छोड़कर कहीं भाग गई हो वो बाप अपनी बेटी की सलामती के अलावा और क्या चाहेगा, क्या चाहेगा, क्या चाहेगा सर? ये प्रभात जी के बर्ताव से तो ऐसा लग रहा है कि वो हमसे कुछ छुपा रहे। नजर रखो इन पे। सर वो रहा धीरज, नैना और गौतम को सारे प्यार भरे आइडिया वही देता है। ठीक है।
चाहता। क्यों धीरज बाबू, समोसे खाए जा रहे हैं? हाँ सर, हमारी कैंटीन के समोसे पूरे शहर में मशहूर है। आइए अभी खाइए। खाएंगे, समोसे भी खाएंगे, पहले गौतम जी और नैना तो वापस आ जाएं। नैना और गौतम, आप लोग जानते हो उन्हें? सीआईडी से कुछ नहीं छुपा है। बोलो कहाँ है वो? सर मुझे नहीं मालूम कहाँ है वो दोनों। झूठ बोल रहा है? पेड़ पे कंकाल लटकाने का आइडिया तुम्हारा ही था ना? हाँ सर, वो आइडिया मैंने ही दिया था, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ मुझे नहीं पता कहाँ है वो दोनों। और वो चिट्ठी का भी आइडिया तुम्हारा ही था? हाँ सर। वैसे एक बात कहूँ सर, बहुत अच्छा हुआ कि वो दोनों भाग गए। क्या, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि सर नैना के फादर ने गौतम को धमकी दी थी कि अगर उसने उसकी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा तो उसे हमेशा हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा देगा। तुम्हारा मतलब है नैना के डैडी उन दोनों के खिलाफ थे? हाँ सर। सर फिर तो प्रभात जी गौतम की जान भी ले सकते। अच्छा सर, मैं क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं निकलूं? जा, लेकिन उन दोनों के बारे में कुछ भी पता चले तो फौरन हमें इन्फॉर्म करना, ओके? जी सर। जा। ए, रुको। तुम क्या नाम है तुम्हारा? जी त्रिलोक। बातें सुनने का बहुत शौक है तुम्हें? सर वो मैं कब से देख रहा हूँ हमारी बातें सुन रहा है। क्या जानते हो नैना और गौतम के बारे में तुम? सर मैं फंसूंगा तो नहीं? अगर नहीं बताएगा तो जरूर फंसेगा। सर ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि नैना की जान खतरे में है। खतरे में? किससे खतरा है नैना को? जी सर गौतम से। गौतम से? पर नैना और गौतम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? गौतम एक मैनिएक है सर, वो सिर्फ खुद से प्यार करता है, दूसरे किसी से नहीं करता सर। मतलब क्या है तुम्हारा? सर नैना कई बार गौतम के प्यार को ठुकरा चुकी है, फिर भी गौतम नैना के पीछे ही पड़ा हुआ था, फिर बाद में नैना ने तंग आकर उसके लिए हाँ कर दिया सर। अच्छा, तो अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे? नहीं सर, गौतम नैना के साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो अपने अपमान का बदला लेना चाहता है। कैसा अपमान? सर वो नैना ने पूरे कॉलेज के सामने कई बार गौतम के प्यार को ठुकराया है, अगर सर दोनों की शादी हो गई तो उसका बदला पूरा हो जाएगा सर, वो नैना को मार देगा। अच्छा ठीक है, अभी जा सकते हो तुम। ये अजीब चक्कर है, धीरज कह रहा है गौतम की जान खतरे में है और ये त्रिलोक कह रहा है कि नैना की जान खतरे में है। अगर इन दोनों को जल्दी नहीं ढूंढा गया कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। सर मेरे पेट से बार बार एक ही आवाज आ रही है, ये त्रिलोक झूठ बोल रहा है सर। नहीं फ्रेडी, मुझे नहीं लगता ये त्रिलोक बिना वजह गौतम को क्यों फंसाएगा? क्यों फंसाएगा वो उसे बिना वजह? ये तो कोई और ही चक्कर है, कोई और ही चक्कर है। सर त्रिलोक प्यार करता होगा नैना से, मगर नैना गौतम को चाहती है, इसीलिए त्रिलोक के कान में से धुआं निकल रहा है। सर हाँ, त्रिलोक की बात में थोड़ी सी सच्चाई है। क्या? सर मैंने कॉलेज के प्रिंसिपल और गौतम की मम्मी दोनों से बात की, उनका कहना है कि गौतम को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आता है, अगर उसे कोई बात लग जाए तो वो बहुत नाराज हो जाता है, यहाँ तक कि पिछले साल 6 महीने तक एक साइकियाट्रिस्ट के पास उसका ट्रीटमेंट चल रहा था ताकि वो अपने गुस्से को काबू कर सके। पिछले साल 6 महीने तक गौतम की साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट चल रही थी अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए। अच्छा, ओ, तो ये बात है, अब समझ में आ रहा है ये सारा चक्कर क्या है। पहले नैना गौतम को नहीं चाहती थी लेकिन अब चाहने लगी, क्यों? ये गौतम का बुना हुआ प्यार का मायाजाल, फंस गई नैना इस मायाजाल में, फंस गई। अब गौतम ले रहा है बदला नैना से। सर हाँ, स्केलेटन्स के बारे में पता चल गया सर। क्या पता चला? सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हिसाब से स्केलेटन्स एमएनसी लेबोरेटरी को बेचे गए थे। अच्छा, एमएनसी लेबोरेटरी। हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि चोरों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि रुपए पैसे जेवर छोड़कर कंकाल चुराने लगे हैं। तुमने रिपोर्ट तो कर दी है ना? यस सर।
कंकाल हमने ढूंढ निकाले। कंकाल मिल गए? हाँ। वो कंकाल इन दोनों ने चुराए थे, क्या आप पहचानते हैं? नहीं, यहाँ पर इन्हें पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, वो जगह दिखाइए जहाँ से कंकाल चोरी हुआ है। आइए। कल रात 8 बजे तक मैं यहीं था, तब तक कोई चोरी नहीं हुई थी। सुबह आकर देखा तो यहाँ से कंकाल गायब। यहाँ से कंकाल गायब? कंकाल इन दो कबर्ड में रखे थे? जी हाँ। काम करो, दोनों कवर से जितने भी उंगलियों के निशान है सब के सब उठाओ, एक भी छोड़ना नहीं। यस सर। सर, हो सकता है कि लैब के बाहर किसी ने गौतम और नैना को लैब से बाहर जाते हुए देखा हो या फिर अंदर आते हुए देखा हो। किसी न किसी ने तो देखा ही होगा, किसी न किसी ने तो देखा ही होगा। वहां एक पान वाला, शायद उसने कुछ देखा होगा। चलो देखते हैं। आ साहब, कौन सा पान लगाऊं? कोई पान वाला नहीं चाहिए। श्रेया, इन दोनों को यहां से आते जाते देखा है तुमने? कौन है ये दोनों? देखा है या नहीं? साहब, धमकी क्यों दे रहे हो? हम सीआईडी से। सीआईडी से? हाँ, सीआईडी। अब ठीक से याद करके बताओ, क्या इन दोनों को या इन दोनों में से किसी को भी उस सामने वाले लैब के बिल्डिंग में से आते हुए या जाते हुए देखा कल रात को? देखा या नहीं? साहब, इन दोनों को तो नहीं देखा था, मगर एक और आदमी को देखा था। कल रात 11:30 बजे के करीब बड़ी हड़बड़ी में लैब से बाहर निकलते देखा। कल रात को 11:30 बजे? क्या वो खाली हाथ था या उसके पास कोई सामान वगैरह था? साहब, खाली हाथ नहीं था, उसके हाथ में काफी बड़ा बैग था। बड़ा सा बैग था? तो क्या तुमने उस आदमी को देखा है? उसका चेहरा याद है तुम्हें? अच्छी तरह। तो ब्यूरो ले चलो, इसे स्केच बनवाते हैं। रात को यहाँ क्यों बुलवाया? देखिए प्रभात साहब, काम था इसलिए बुलाया। अरे ऐसा क्या काम था, फोन भी तो कर सकते थे। फोन नहीं कर सकते, इतनी बड़ी करोड़ों की डील फोन पे नहीं हो सकती प्रभात साहब, समझिए। क्या मतलब? सर, इन दोनों के बीच में काफी तूतू में चल रही है। दूसरा कौन है? से लगता है गौतम है। प्रभात जी से कह रहे होंगे कि वो उसे अपना दामाद नहीं बना सकते, उसकी बेटी के साथ छोड़ दे वो। गौतम नैना के साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो अपने अपमान का बदला लेना चाहता है। ये तो त्रिलोक है। मगर सर, ये इतनी रात गए प्रभात जी से मिलने क्यों आया होगा? शायद इस त्रिलोक को पता है
कि नैना और गौतम कहाँ है। स्केच बन गया। नैना की जान खतरे में है। सर, ये तो त्रिलोक है। ये त्रिलोक है? अच्छा, त्रिलोक। क्या ये वही आदमी है जिसे तुमने रात को 11:30 बजे देखा था? हाँ साहब, ये वही आदमी है। चलो, थैंक यू वेरी मच। आप लोग जा सकते हैं। सर, इस त्रिलोक के रंग अब एक एक करके सामने आने लगे। आज रात वो प्रभात जी से मिलने गए। हाँ, और कंकाल भी तो इसी ने चुराए हैं। सर, कहीं त्रिलोक ने ही तो नैना और गौतम को किडनैप नहीं किया और प्रभात जी से पैसे मांगे? पंकज, अगर ऐसा होता तो फिर प्रभात जी ने हमें बताया क्यों नहीं? चुप क्यों बैठे वो? सर, शायद वो डर गए होंगे कि उनके बच्चों को कहीं कुछ हो ना जाए। श्रेया, अगर उन्हें ये डर है तो फिर ये भी तो हो सकता है ना कि प्रभात जी इस त्रिलोक से मिल गए हो। तो उन्होंने कहा होगा कि वो कंकाल चुराओ और सारा शक इस गौतम पे डाल दो ताकि गौतम उनकी बेटी नैना के साथ शादी ना करे। कहीं गौतम की जान को खतरा तो नहीं? हाँ, हो सकता है। इस प्रभात जी से मिलो और अच्छी तरह से पूछताछ करो। मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं भला अपनी बेटी का किडनैप क्यों करवाऊंगा? ये तो आप ही बता सकते हैं। बाप बेटे के रिश्ते की मर्यादा अगर आप समझते तो आप ऐसा नहीं करते। और बिना सबूत के हम किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाते, समझे? ये सब बकवास है। आप मेरे पति को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरी बेटी को तो ढूंढ नहीं सके। आपके बेटी को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पति को मालूम है कि आपकी बेटी कहाँ है, इनसे क्यों नहीं पूछ लेती? ये झूठ है। झूठ है? आप क्यों नहीं बता देते कल रात आप त्रिलोक से मिलने क्यों गए थे? त्रिलोक? हाँ, कौन त्रिलोक? मैं किसी त्रिलोक को नहीं जानता। नहीं जानते तो उसका नाम सुनते ही आपकी जबान क्यों लड़खड़ाने लगी प्रभात जी? निखिल, जरा प्रभात जी को याद दिलाना कि ये त्रिलोक कौन है। ये त्रिलोक जी है। कुछ याद आया प्रभात जी? क्या हो गया आपको? बच्चों को बचा लीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इसका मतलब है ये लोग सच बोल रहे हैं? अरे, आपने ही नैना और गौतम का किडनैप करवाया? हाँ, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। गौतम और नैना की शादी को रुकवाने के लिए यही एक रास्ता था मेरे पास। तो आपने त्रिलोक से कहा नैना और गौतम को किडनैप कर ले? हा? मैंने नहीं कहा था, बल्कि खुद उसका फोन आया था। उसने कहा था कि मैं उसी के कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं जानता हूँ कि गौतम नैना के लिए सही लड़का नहीं है। तो आपने उसे पैसे दिए ताकि उन दोनों को किडनैप कर ले और फिर गौतम को मार के आपकी बेटी को वापस आपके हवाले कर दे? हा? आप किसी की जान लेने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। त्रिलोक की नीयत खराब हो गई है। वो मुझसे 2 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है और वो पैसे अगर मैंने नहीं दिए तो वो गौतम और नैना दोनों को मार डालेगा। मेरी बेटी को बचा लीजिए, बचा लीजिए। बहुत गुमराह कर लिया सीआईडी को। अब तेरा घूमने का टाइम आ गया है त्रिलोक। सॉरी सर, इस नाम का कोई स्टूडेंट है ही नहीं। हो सकता है ये त्रिलोक नैना और गौतम की क्लास में ना हो, किसी दूसरी क्लास में हो। नहीं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों लिस्ट मेरे पास है, तीनों साल की। अगर त्रिलोक इस कॉलेज का स्टूडेंट होता तो उसका नाम जरूर इस लिस्ट में होता।
तो आपके कहने का मतलब है कि त्रिलोक कोई बाहर का आदमी है, स्टूडेंट नहीं है? जी सर। तो फिर ये त्रिलोक कैंटीन में पहुंचा कैसे? जहां तक कॉलेज कैंटीन का सवाल है, वहां तो कोई भी आदमी आ सकता है, उसका स्टूडेंट होना जरूरी नहीं सर। तो कहीं ये त्रिलोक हमें स्टूडेंट बनकर गुमराह तो नहीं कर रहा है? सर, सर ये धीरज है और ये कह रहा है कि त्रिलोक नाम का कोई स्टूडेंट पूरे कॉलेज में नहीं है। त्रिलोक नाम का कोई स्टूडेंट है ही नहीं? तो फिर तुमने उसे कैंटीन में भी नहीं देखा होगा, या फिर नैना और गौतम के साथ बात करते हुए भी नहीं देखा होगा? सर, कॉलेज की कैंटीन में मैंने कई बार देखा उसे, लेकिन कभी बात नहीं हुई उससे, और ना ही कभी नैना या गौतम से मैंने उसे बात करते हुए देखा। नैना और गौतम के साथ कभी बात करते हुए देखा ही नहीं? नहीं सर। तो फिर ये त्रिलोक कर क्या रहा था कॉलेज में? किस लिए गया था ये कॉलेज में? और फिर उस लैब से उसने कंकाल भी क्यों चुराए? क्या क्या कनेक्शन हो सकता है त्रिलोक का इस केस के साथ? सर, त्रिलोक का इतिहास मिल गया। क्या है जरा बताओ। सर, पुराना क्रिमिनल है ये। अच्छा। क्या जुर्म क्या किया है? सर, चोरी के इल्जाम में एक दो बार जेल जा चुका है। ये लो, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं। क्या मतलब सर? मतलब ये निखिल कि ये त्रिलोक गौतम से मिला है, और गौतम ने ही त्रिलोक से कहा वो कंकाल चुराने के लिए। बाद में वो कंकाल उसने पेड़ से लटका दिया, घर वालों को धमकी दी कि हमारी शादी करा दो नहीं तो हम लोग लटक जाएंगे। फिर तो सर इस त्रिलोक को जरूर मालूम होगा कि गौतम और नैना कहां होंगे इस समय। हाँ, त्रिलोक को जरूर मालूम होगा। उठाओ इस त्रिलोक को। त्रिलोक घर पे है? त्रिलोक तो घर पर नहीं है, पर आप लोग? हम सीआईडी से। सीआईडी? सीआईडी को मेरे बेटे से क्या काम पड़ गया? देखिए, सीआईडी का हर मुजरिम से काम पड़ता है, फिर वो चाहे किसी का भाई हो, बेटा हो या पति हो। मेरा बेटा मुजरिम? क्या किया है उसने सर? दो बच्चों को किडनैप किया है त्रिलोक ने, और उनके घर वालों से 2 करोड़ की मांग की है। 2 करोड़! हे भगवान, त्रिलोक ऐसा कैसे कर सकता है? उसे ये बताइए कि त्रिलोक को आखिरी बार आपने कब देखा? कल रात वो घर पे आया था, बहुत जल्दी में था, बस कपड़े बदले, जख्म पे दवा लगाई और न जाने कहाँ चला गया। घाव पे दवा लगाई? क्या क्या हुआ था, कैसा रहा? उसकी बाई टांग में कुछ चोट आई थी शायद। चोट बाई पैर पर? और कुछ खास बात याद आती है आपको? खास बात? हाँ, उसके हाथ में एक थैली थी, उसमें कुछ सामान था शादी का, दूल्हा दुल्हन के कपड़े वगैरह। शादी का सामान? सर, हो सकता है ये त्रिलोक गौतम और नैना की मदद कर रहा हो शादी करने में, और ये किडनैपिंग का सारा प्लान उसने प्रभात को गुमराह करने के लिए बनाया। क्यों श्रेया, क्यों? अगर गौतम और नैना शादी करना चाहते तो वैसे ही जाकर कर सकते हैं, त्रिलोक से किडनैप करवाने की जरूरत क्या है? नहीं। हो सकता है सर पैसों के लिए। प्रभात जो 2 करोड़ रुपए उसे देने वाले हैं, हो सकता है ये तीनों आपस में बांटना चाहते हो। नहीं सचिन, मुझे नहीं लगता। कोई भी बेटी अपने पिता से ऐसा बर्ताव क्यों करेगी, क्यों धोखा देगी अपने पिता को? तो कुछ और ही चक्कर है। जरा आपके बेटे के कपड़े दिखाइए जरा। कपड़े? हाँ, जो वो बदल कर गया था ना, तो पुराने कपड़े जरा दिखाइए। एक मिनट। जली हुई है यहाँ पर। फिर हो सकता है इस्त्री करते वक्त जल गई। नहीं सचिन, इस्त्री करते वक्त नहीं, इसमें तो एसिड का गंध आ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड की गंध है।
सर यानी ये जीन सल्फ्यूरिक एसिड से चली है? हाँ, त्रिलोक की जीन सल्फ्यूरिक एसिड से ही जली है, और उसके बाएं पैर पर जो चोट आई है ना, वो भी सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से ही। सर इसका मतलब त्रिलोक ने इन दोनों को केमिस्ट्री लैब में बंधक बना के रखा है। केमिस्ट्री लैब? हेलो, हाँ ठीक है, थैंक यू सर। मोबाइल कंपनी वालों का फोन था, त्रिलोक का फोन आखिरी बार गुडविल कॉलेज में ट्रेस हुआ है। त्रिलोक का फोन आखिरी बार गुडविल कॉलेज में ट्रेस हुआ है? गुडविल कॉलेज? गुडविल कॉलेज केमिस्ट्री लेबोरेटरी? सर इस लैब में तो क्लास चल रही है, क्या नहीं होगा त्रिलोक? देखते हैं। प्रोफेसर साहब। यस। सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूं मैं, क्या बता सकते हैं आप इस लैब के अलावा कॉलेज में और भी कोई लैब है? जी हाँ सर, वो पिछले वाले हिस्से में एक है यहाँ, लेकिन सर वो लैब तो कई सालों से बंद है। कई सालों से बंद है? जी। इसी लैब की तो तलाश है। सचिन लाइट का स्विच देखो कहां पर है। गुड, लेबोरेटरी का कोना कोना छान मारो, चारों तरफ देखो अच्छी तरह से देखो। से तो गोली मार के इसकी हत्या की है। सर जरूर इसे गौतम नहीं मारा होगा, अपने आप को और नैना को बचाने के लिए उसने ऐसा किया होगा। तब कमरे में और भी कोई है। सचिन श्रेया। गौतम, गौतम बहुत बुरी तरह से मारा है इसे। गौतम क्या हुआ हा? किसने किया ये, किसने किया बताओ। सर त्रिलोक ने हमें यहाँ रखा था। सर त्रिलोक? नैना, नैना कहाँ है? सर उसकी जान को खतरा है सर, प्लीज आप बचा लीजिए उसकी। कौन कौन मारना चाहता है तुम लोगों को? पता नहीं सर, पता नहीं, उसने पहले त्रिलोक को मारा, फिर नैना को अपने साथ ले गया। सर मैं ऐसी हालत में नहीं था सर कि मैं नैना को बचा पाता। घबराओ मत, कुछ नहीं होने देंगे हम नैना को, घबराओ मत। ये क्या है? श्रेया देखो जरा। सर खोल। दो दो हार है। मंगल सूत्र, लगता है ये शादी का सामान है। सर कहीं ये सारा चक्कर नैना से जबरदस्ती शादी करने का तो नहीं? लगता तो ऐसा ही है। जो भी ये शादी करना चाहता है ना नैना के साथ, जरूर जानता होगा कि नैना के पिताजी के पास बहुत पैसा है, बहुत अमीर है वो, और शायद इसीलिए वो नैना के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता है।
सो ये देखिए, पंडित गिरधर जी, विजिटिंग कार्ड। पंडित गिरधर जी जरूर यही शादी करवाने वाले होंगे। पंडित जी फोन करो और पता लगा कहां पे शादी करवा रहा है ये। हेलो, ये पंडित गिरधर जी का घर है जी? नहीं, मुझे अपनी शादी नहीं करवानी। आप ये बोलिए कि ये पंडित जी कहां गए हैं शादी करवाने? स्वदेश हॉल। स्वदेश हॉल गए सर। स्वदेश हॉल, स्वदेश हॉल। देखो, तुम मुझसे जबरदस्ती शादी तो करो, पर मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी, कभी अपना पति स्वीकार नहीं कर पाऊंगी, समझे तुम? कोई बात नहीं जाने माँ, तुम भारतीय नारी हो, शादी के बाद प्यार करना अपने आप सीख जाओगी। सही कह रहे हो ना पंडित जी? बेटा ये सब मत करो, ये सब पाप है। पंडित जी ये पाप पुण्य का ज्ञान मुझे मत दो। हाँ, मंत्र पढ़ो। चलो जी। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करो तुझा मंगलम पुण्य का अच्छो मंगल है सर्व मंगल मंगल सर्व सर्वात साध चरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। अब आप गांठ बांध लीजिए। और फेरों के लिए खड़े हो जाइए। चलो खड़ी हो जाओ तुम भी। अरे खड़ी हो जाओ नैना, मैंने कहा खड़ी हो जाओ। सर, हमें पंडित जी के घर से इसी जगह के बारे में पता चला था जहां वो शादी करवा रहे हैं। अब बाकी के फेरों के लिए वधू आगे आएगी। चलो आगे चलो। अरे आगे चलो नैना, आगे चलो। ओम स्वस्ति नारायण वृद्धस्वाहा करो ये शादी। अब ना दुल्हन डोली में बैठेगी और ना ही दूल्हे राजा घोड़ी चढ़ेंगे। जरा दूल्हे राजा का चांद सा मुखड़ा तो देखें। धीरज बाबू, नैना के फादर ने गौतम को धमकी दी थी कि अगर उसने उसकी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा तो उसे हमेशा हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा देगा। प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी है सब। प्लीज घबराओ मत, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां तुम चाहती हो। खबरदार, खबरदार, अगर किसी ने मुझे और नैना को अलग करने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा मैं सर। गन नीचे रखिए आप लोग, आप लोग गन नीचे रखिए। ये जो तुम कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। आप सीआईडी वाले इस शादी ब्याह के मामले से दूर रहिए। गन नीचे, गन नीचे रखो, गन नीचे रखो, मैंने कहा गन नीचे रखो, गन नीचे। हटो तुम लोग, जाओ यहां से, हटो, हटो। जाने दो उसे। आगे मत आना, तुम गलत कर रहे हो। पीछे हटिए, गोली मार दूंगा इसे भी और आप भी। हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे पीछे पीछे। आशिकी का भूत चढ़ा है, तेरा भूत मैं उतारता हूं।
सर मैंने सब कुछ नैना का प्यार पाने के लिए किया। नैना का प्यार पाने के लिए किया, सुन लिया? से लगा प्यार कोई खिलौना है जो गन दिखाकर छीन सके, है ना? सर मैं नैना के प्यार को पाकर मैं भी अपना संसार बसाना चाहता था, पर मैं सिर्फ और सिर्फ गौतम से प्यार करती हूँ और आखिरी सांस तक उसी से प्यार करती रहूंगी। यही बात, तुम्हारी यही बात मुझे कांटे की तरह चुभ रही थी, इसलिए मैंने सारा प्लान बनाया। पहले गौतम से दोस्ती की और फिर मौका मिलते ही उसे मैंने धोखा दे दिया, और त्रिलोक को भी, उसे भी पैसे देकर मैंने अपने साथ मिलाया। और जब त्रिलोक को 2 करोड़ रुपए तुम्हारे प्यार से भी कीमती लगने लगे तो उसे तुमने मार डाला। सर मेरे और नैना के प्यार के बीच में जो भी दीवार आती उसे मैं तोड़ देता। अब जिन 4 दीवारों में तुम्हें रखा जाएगा ना, उन दीवारों को तुम तोड़ नहीं पाओगे। उन्हीं 4 दीवारों में बैठकर अपनी प्यार की माला जपते रहना फांसी का ऑर्डर आने तक। ले जाओ इसे। तू ठीक तो है ना? सॉरी बेटी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल की। अभी आपकी बेटी नहीं, हमारी बेटी है, हमारी बहू बनेगी, है ना? वैसे आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, ये बड़ी अच्छी बात है। इसे प्यार जैसी खूबसूरत चीज को पाने के लिए जोर जबरदस्ती करना, ये प्यार का अपमान है ना? प्यार शादी ये 2 दिलों का, 2 आत्माओं का मिलन है, और आप लोगों ने इन दोनों की शादी करवाने का निर्णय लिया, ये सबसे अच्छी बात की आपने। क्यों नैना, गौतम, आप दोनों को शादी मुबारक हो। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.